छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों में नकबजनी की घटना में शामिल बांग्लादेशी मूल के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं मामले के अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। हस्मत खलीफा है और इंडिया में जब इसने बनाया तो इसने सुजान शेख के नाम से बनाया, मतलब से नाम तक बदल दिया, नाम बदल दिया, यहाँ तक कि उम्र भी बदल दी इसने। मृत्यु नगर चौकी क्षेत्र में 35 लाख रुपए की एक बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें तकनीकी आधार पर इन्वेस्टिगेशन करने पे दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे हुए। ये 12 सदस्यीय टीम है इनकी, जो 5 सदस्यीय टीम दुर्ग में चोरी करने आई थी, देश भर में घूम घूम के चोरी करते हैं। एक जो गिरफ्तार हुआ है वो खुद संबलपुर, खड़गपुर और गोंदिया के चोरी में इन्वॉल्व था। ये लोग जब भी चोरी करते थे 25 लाख से 1.5 करोड़ तक की चोरी करते थे। जहाँ चोरी करने जाते थे वहाँ एक लाइवनिंग बंदा चुनते थे जिसके घर में रुकते थे और उसको भी काफ़ी पैसा देकर जाते थे। पैसा बांग्लादेश भेजने के लिए ये लोग हवाला का इस्तेमाल करके 20% कमीशन देकर पैसा को बांग्लादेश भेजा करते थे। ये लोग 1.5 हज़ार रुपये दे के तार काट के भारत देश में घुसते थे और यहाँ पे 1500 रुपये में अपना आधार कार्ड बनवा लेते थे। निश्चित रूप से इनके पकड़ाने से एक बहुत बड़ा मॉड्यूल बर्स्ट हुआ है। मास्टर माइंड के पकड़े जाने पे और भी अहम खुलासे संभव है। सर, आरोपी तक कैसे पहुँची पुलिस? पुलिस ने बहुत ही सूक्ष्म ढंग से आसपास के सारे CCTV दिखाए। एक CCTV में चेहरा ढका हुआ 2-3 लोग संदिग्ध लोग दिखे, उसको हमने आगे सारे CCTV में फॉलो किया। करीब 25-30 किलोमीटर दूर एक और CCTV में वैसे ही कपड़े पहने हुए लोग फ़ोन पे बात करते हुए दिखे। उस जगह पे टावर डम निकाला गया, पॉइंट पे कौन से मोबाइल नंबर उस टाइम पे एक्टिव थे उनको स्क्रीन किया गया तो एक सस्पिशियस नंबर दिखा जो कि चोरी के बाद बांग्लादेश की तरफ जा रहा था, तो उसके बंगाल की तरफ जा रहा था और वहाँ से भी बांग्लादेश की तरफ जाते हुए दिखा। उन नंबर्स को हमने CDR निकाल के बाकी किन नंबर्स के कॉन्टैक्ट में थे उसकी एक सूची बनाई और उन पर नज़र रखी। करीब 15 दिन पहले एक नंबर जो है वो इंडिया में दोबारा एक्टिव हुआ बंगाल में, तो दुर्ग पुलिस की टीम भेजी गई। 10 दिन रखी करने के बाद बंगाल पुलिस की मदद से इन दो लोगों को गिरफ्तार किया। सर, मास्टरमाइंड भी है? 3 अभी मास्टरमाइंड है जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और 12 सदस्यीय टीम है। पूरे 12 सदस्यीय टीम को पकड़ने की पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही है।